मतलब इतनी जगह छो तो अनुष्का क्या कुछ कहना चाहेंगे, अनुष्का क्या कुछ कहना चाहेंगे आज की खास क्लीनिंग ओशन रूल? मैं क्या बोलूँ, यू नो हमारा बीच एक्चुअली हमारा कंट्री ये स्टेट में हो हुआ भी एंड आई थिंक इट्स टाइम हम सब ऑब्वियसली एक्चुअली आई आई वांट टू थैंक एडिडास क्योंकि इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया हमारे बीचेस और सी लाइफ और सब मतलब साफ करने में एंड इट्स सो इम्पोर्टेंट. मतलब लोगों को पता नहीं कितना गंदा है और अंदर भी यू नो सिर्फ ऊपर नहीं है सब अंदर भी है. तो आई थिंक ये इनिशिएटिव बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत अच्छा है एंड अफरोज इज़ माई हीरो. यू नो उन्होंने वो शुरू किया और एडिडास ने इंस्पायर हुआ उसके बाद में उसके बाद. और ये शू है पार्ले वो भी बहुत अच्छा है, वो 11 प्लास्टिक बॉटल्स यूज़ करते हैं वो शू बनाने के लिए. एंड आई थिंक ये सब भी है ना और ज़्यादा एजुकेशन देना चाहिए किड्स को स्कूल्स में क्योंकि ये स्वच्छ भारत ना सिर्फ हमारे घर के अंदर नहीं होना चाहिए. यू नो ये हमारा घर और लोगों को वो पता नहीं है कि जब हम हमारा घर घर का दरवाज़ा बंद करते हैं ना हमको लगता है हाँ ये साफ है मतलब अच्छा है. जब हम बाहर आते हैं ऐसा क्यों लगता है? और जब हम बाहर जाते हैं लाइक यूरोप और अमेरिका हम ऐसा करेंगे हम ऐसा बिहेव करेंगे तो यहाँ पे क्यों करते हैं? यू नो इट स्टार्ट्स एट होम इन आवर कंट्री. और इंडिया इतना ब्यूटीफुल हो सकता है एंड वी जस्ट डोंट रिस्पेक्ट इट एंड इट्स टाइम हम रिस्पेक्ट करना है और कुछ करना है. और यू नो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग एवरीबॉडी शुड कम टू द बीच एंड स्टार्ट क्लीनिंग इट और इवन जस्ट आउटसाइड एवरीवेयर. अनुषा आपने देखा होगा अनएजुकेटेड से ज़्यादा एजुकेटेड गंदगी फैला रहे हैं. ऐसा कुछ नहीं है एजुकेटेड अनएजुकेटेड, ये एजुकेशन नहीं लगता है. यू डोंट नीड एजुकेशन टू नो हाउ टू क्लीन. तो वो ब्लेम करते हैं ना वो अनएजुकेटेड लोग हैं, ये एजुकेटेड लोग भी करते हैं. ये सब बकवास है. ये सब एक्सक्यूजेस है कि हम पॉइंट करते हैं हाँ वो लोग करते हैं वो लोग करते हैं. नहीं हम सब करते हैं, हम सब करते हैं इसलिए हमारा देश ऐसा दिखता है. आप मुंबई में रहती हैं, आप कितना इमोशनली कितना रिलेट हो पाते हैं जब इस तरह की गंदगी देखती हैं अब हर जगह? मेरा सब स्कूलिंग ऑस्ट्रेलिया में हुआ तो इसलिए मेरी हिंदी इतनी ख़राब है. पर हमारे बीचेस ना ऐसा कभी नहीं थे. पर ये मेरा कंट्री है, ये मेरा दिल है. तो मुझे बहुत बुरा लगता है कि यहाँ पे ऐसा हम ट्रीट करते हैं कि कुछ नहीं. यू नो जब हम बाहर जाएंगे और वो बहुत सुंदर है हाँ हम शूट वहाँ पे कर सकते हैं, पर यहाँ पे क्यों नहीं? क्योंकि वी डोंट केयर अबाउट इट. तो इसलिए हम ऐसा रखते हैं और हम बाहर जाते हैं ओ ये फोटोज़ खींचो ये बहुत सुंदर है यहाँ पे क्यों? तो इसलिए मुझे बहुत हर्ट होता है कि लोगों को मतलब दिल नहीं है यहाँ. यू नो जब क्रिकेट मैच देखते जितना दिल है ना मैच देखने के बाद वो ये इंडिया जीतना इंडिया जीतना, तो ये दिल यहाँ पे होना चाहिए. यस मैम. तो इसके पहले आपने कभी पार्टिसिपेट किया इस तरह के कैंपेन में? सो जब मैं एडिडास को ज्वाइन किया यू नो मुझे ऑब्वियसली ब्रांड बहुत अच्छा लगता है और जब मैं छोटी थी मैं बहुत एडिडास पहनती थी और यू नो वो सिम्बॉलिक था मेरे चाइल्डहुड में. पर उसके बाद जब वो पार्ले के बारे में बताया और ये सब यू नो वो वेरी क्लोज टू माई हार्ट होते हैं क्योंकि जब मैं ऑस्ट्रेलिया में थी स्कूल्स से हमारा एजुकेशन वो था कि यू नो रिसाइकलिंग करना है ये करना है. तो मेरा सिस्टम में ऑलरेडी था लाइक थी. सो ऐसा कुछ नहीं है कि आई कैन जस्ट थ्रो समथिंग ऑन द ग्राउंड, नहीं होता है. तो मेरा एजुकेशन मतलब एजुकेशन नहीं लगता है पर छोटी सी. यस सो आई थिंक इट हैज़ टू स्टार्ट एट होम. यू नो आपके पेरेंट्स स्कूल टीचर्स सब सिखाना ही चाहिए कि यू नो दिस इज़ द राइट वे एंड दैट्स व्हाई इट्स बीन क्लोज टू माय हार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग. लास्टली अपने फैंस को अपने चाहने वालों को क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे आपके? जब लोग कचरा फेंकते हैं ना गाड़ी के बाहर और वहाँ स्ट्रीट पर आप
करना चाहिए और बोलना चाहिए कि वो उठा दो और डस्टबिन में फेंक देना. आई डू इट, मैं भी करती हूँ. जब वो किसी ने ऐसा कचरा फेंकते है गाड़ी विंडो थ्रू, मैं रुकती हूँ और मैं बोलती हूँ उठाओ गाड़ी से उतरो और उठाओ और वापस ले लो. क्योंकि ये सब हम बोलेंगे ना तो वो एक्शन ले लेंगे. यू नो, हम एक साथ होना चाहिए इससे. तो प्लीज़ जब कुछ कचरा फेंकेंगे अब बोलो लाउडली एंड से नो दिस इज़ नॉट राइट. और आप आ जाओ वसोवा बीच हर संडे में और हमको मदद कर यहाँ पे. और जब आप मुंबई में नहीं रहते तो wherever you are, whichever city, Delhi, Kolkata, कुछ भी, आप क्लीन अप ड्राइव शुरू करो. You feel great. Thank you so much. Thank you. All the best. Thank you. आप ही सब साफ करो. यार यार. দেব তো চিচার কথা ফুল ভিজি একদম. হ্যাঁ বোরা বল না. Hola. चलना लेके चलना उधर यार. बेसिकली ये एक ऐसी चीज़ है जो मैं बहुत टाइम से करना है मुझे, पर कभी ऐसे होता है कि काम है या कभी उठ नहीं पाए. तो आज जब मुझे कॉल आया एडिडास से तो मैंने सोचा आज कुछ भी हो जाएगा, आज मैं जाके रहूँगी भले ही थोड़ी देर के लिए. और जब मैं यहाँ पे आई तो मैं बहुत शॉक हो गई, बिकॉज एज ए किड मैं यारी रोड में ही पली बड़ी हूँ, ऑल माई लाइफ आई हैव स्टेड हियर. एंड मैंने कभी नहीं देखा था कि इस साइड जो बीच में इतना कचरा है. एंड नॉट ओनली दैट, जब यहाँ पे आए तो हमें पता चला कि कचरा इतना हद तक है यहाँ पे कि वो ज़मीन के भी 4 फीट नीचे है और हम लोग खोद खोद के इतना कचरा निकाल रहे. इट्स अनबिलीवेबल. एंड आई थिंक कि पता नहीं क्यों मैंने ये पहले नहीं किया, बट नाउ आई नो. मैं हमेशा रिजवान और एडिडास वालों से पूछ रही कैसे करते हो यार तुम लोग हर संडे, हाउ डू यू डू इट. बट जब यहाँ आके अपनी सिटी की हालत देखते हैं लोग तो आई थिंक अपने आप वो अंदर से आता है कि नहीं कुछ करना है. इट्स ओके, हम लोग 20-25 लोग क्या ही उखाड़ लेंगे, वह जितना कर रहे हैं बहुत करें. एंड
स्पेशली जब एडिडास इतनी बड़ी कंपनी सब कुछ ऑर्गेनाइज करके दे रही है, आई थिंक इट्स रियली फैंटास्टिक, क्योंकि एज अ पर्सन आई डू वांट टू क्लीन माय सिटी, बट मेरे पास कभी उतने लोग नहीं होते, मैं अकेले बीच में निकल के कितना ही साफ कर लूँगी, बट हियर दे प्रोवाइड अस विद पीपल, विद ग्लव्स, विद ट्रक, सो आई थिंक इट्स ब्रिलियंट, गुड जॉब एडिडास. नहीं, एंड आई एम रियली रियली गिल्टी अबाउट इट. तो मैं आप सबसे भी कहना चाहती हूँ कि अगर आपने ये नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार आके हमारी सिटी की बीचेस की हालत देखिए. आई थिंक हम गोवा जाते हैं, हवाई, मायामी, क्या बात करते हैं हम लोग, यहाँ बीच वहाँ बीच, पर बॉम्बे में हमारे बीचेस है और इतनी सुंदर सुंदर बीचेस है. तो आई थिंक वी शुड वर्क ऑन क्लीनिंग दीज बीचेस, क्योंकि बहुत सुंदर शहर है अपना और हम उसे और सुंदर बना सकते हैं. ऑफकोर्स आई थिंक गवर्नमेंट लोगों के हिसाब से बहुत कम है, हम लोग इतने सारे लोग हैं, आज भी हम सब लोग ही मिलके कर रहे हैं. सो आई थिंक अगर हम ये आदत बनाए कि हम प्लास्टिक और कचरा ना यूज़, प्लास्टिक तो यूज़ ही नहीं करना चाहिए फर्स्टली, और कचरा भी ऐसे ना फेंके रोड पे, डस्टबिन ढूंढ के फेंके, आई नो कि कभी कभी मिलते नहीं है एवरी थिंग, तो मतलब उसको बस आप रखिए अपने पास कि आप एक डस्टबिन ढूंढ के उसे डालिए, क्योंकि एक दो बार करने से मतलब ये हो जाता है, हम लोग को लगे कि अच्छा एक प्लास्टिक से कुछ नहीं होगा, एक रैपर से कुछ नहीं होगा, बट आज जब हम निकाल रहे हैं इम्पॉसिबल है, क्योंकि मुझे ना इतने से सैंड से हमने कुछ 6-7 प्लास्टिक बैग, एक जीन्स, एक टी शर्ट निकाली है. सो आई थिंक इट्स क्रेजी दैट लोग बस अपना सामान फेंकते हैं. गवर्नमेंट इज़ हेल्पिंग, दे आर डूइंग देयर बेस्ट, बट आई थिंक एज पीपल हमें एक स्टैंड लेना चाहिए कि लेट्स ट्राई एंड कीप द सिटी क्लीन, कि ये नौबत ही ना आए साफ करने की. एज आई सेड, मैंने कभी फॉलो अप ही नहीं किया है, बिकॉज ये इवेंट भी 2-3 बार ऐसे मेरा पहले प्लान बना, बट ड्यू टू वर्क और ड्यू टू हेल्थ में नहीं आ पाई. सो आई थॉट कि चलो आज जाके देख ही लेते हैं, एंड आई नो सो मेनी पीपल हियर जो अपना रोज़ा रख के साफ कर रहे हैं, तो गाइज आई डोंट थिंक इट्स दैट हार्ड, इतने लोग हैं, सब फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे, जॉइन अस, जस्ट गो आउट, मेक अ ग्रुप एंड स्टार्ट क्लीनिंग द सिटी. इट विल टेक अ डे 2-3 आवर्स ऑफ योर टाइम, बट इट विल मेक अ बिग बिग डिफरेंस. मैं कहना चाहूँगी कि मैं दुनिया की सबसे आलसी इंसान हूँ, एंड आई एम नॉट अ वेरी ओ क्लेनलीनेस पर्सन, बट यहाँ आके जब मैंने अपनी सिटी की ऐसी हालत देखी है, अगर मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है, तो प्लीज़ एक बार आके बस देखिए कि क्या हालत हुई है हमारी सिटी की, हमारी बीचेस की, एंड प्लीज़ हेल्प, वी नीड योर हेल्प. थैंक यू. तो हम एडिडास रनर्स हर संडे यहाँ वर्सोवा आते हैं. 3 साल पहले अफरोज सर ने ये जो स्टार्ट किया था, मतलब लाइक वी से अ ड्रॉप इन द ओशन, इट लिटरली वॉज अ ड्रॉप इन द ओशन, क्योंकि हम लोगों ने इतनी गंदगी की है. सो टू क्लीन अप आफ्टर व्हाट वी हैव डन इज गोइंग टू रिक्वायर अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, पर वी ट्राई एंड डू इट अ स्मॉल वे, कमिंग एवरी संडे एंड क्लीनिंग अप. तो ये जो एडिडास ने स्ट्रैटेजी अप्लाई की है टू कम एंड इंटरसेप्टेड इंडिया ब्रांड, तो ये जो मैं जूते पहन रही हूँ आज, वो 11 बॉटल प्लास्टिक बॉटल से बने हैं. So it's a very noble cause, and I'm very proud to be a part of this association. साफ़ सफाई करते हुए तो बहुत एक्चुअली दुख हुआ, क्योंकि जब हम ये हाल देखते हैं हम लोगों ने इस सिटी को क्या किया है, तो वी रियलाइज द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन. मैं अभी किसी से शेयर कर रही थी कि मेरे पिताजी बम्बई से है, और वो कहते थे कि 30 साल पहले यहीं वर्सोवा बीच में या जुहू और बांद्रा में
द वाटर यूज़ टू बी ब्लू, यहाँ पर डॉल्फिन्स रहते थे और कॉरल रहता था. तो 30 साल बाद हम लोगों ने जो किया है इस स्टेट को देखकर बहुत ही दुख महसूस होता है. जी बिल्कुल लिया है हिस्सा. तो हर संडे तो हम आते ही हैं, पर जब मैं कॉलेज में थी तब हम कई बार बाहर जाकर, मैं जेवियर्स में पढ़ती थी तो उस वक्त भी बहुत सारा हम क्लीन अप करते थे उस वक्त. जैसा कि आपने बताया मुंबई से रिलेट करती है, मुंबई जो मुंबई में रहता है उसकी मुंबई एक जान है. जी तो कितना रिलेट कर पाते हैं आप कि इस तरह की आप चीज़ें देखती हैं? जी आपका पॉल्यूशन को ले लिया जाए, जी क्या कुछ कहना चाहती, क्या 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 फीलिंग आती है? तो हम कहने के लिए तो कहते हैं मुंबई हमारी जान है, पर जब हम ट्रेन से जाते हैं या गाड़ी से जाते हैं तो हम जाकर ट्रेन के बाहर कचरा फेंकते हैं, गाड़ी की विंडो नीचे कर थूकते और कचरा फेंकते हैं. और ये दुख की बात ये है कि जब एडुकेटेड लोग जो कॉलेजेस में पढ़ते हैं या बड़े मर्सिडीज़ में गाड़ी चलाते हैं, वो जब नीचे वो खिड़की नीचे रख कर या कुरकुरे फेंकते या फेंकते वोकते, दैट्स वेरी डिसहार्टनिंग. क्योंकि इट्स आवर जॉब टू स्प्रेड अवेयरनेस कि जो हम जो कर रहे हैं इट्स नॉट अ गुड थिंग. सो आई जस्ट फील कि एज सिटीजन्स हमें गवर्नमेंट को सिर्फ ब्लेम नहीं करना चाहिए, खुद हम लोग जो कर रहे हैं उसके पीछे देखना चाहिए एंड वी शुड बी अवेयर ऑफ वॉट वी आर डूइंग. तो ये स्टेप्स क्या क्या लेंगे, मतलब हर संडे तो आएंगे, ट्राई करेंगे और रेगुलर करने के लिए, पर ये स्टेप्स बहुत बेबी स्टेप्स है क्योंकि इट्स नॉट समथिंग दैट विल हैपन ओवरनाइट. 30 साल लगे हैं इस स्थिति के लिए, तो और शायद 5-10 साल तो लगेंगे ही. अफरोज़ ने जो 3 साल में एक पोर्शन किया है, हमें बॉम्बे को कम्प्लीटली क्लीन करना है. सो इट्स अ लॉन्ग वे टू गो एंड आई होप कि बहुत सारे लोग आकर इस मूवमेंट को ज्वाइन करते हैं. गॉसिप तो नहीं है, मैं एक्चुअली शूट कर रही हूँ, तो हमारी नाइट शिफ्ट चल रही थी तो मैं नाइट शिफ्ट ख़त्म करके यहीं डायरेक्टली आई हूँ. तो शूट हमारा 10-12 दिन पहले स्टार्ट हुआ था एंड आई एम रियली एन्जॉइंग द एक्सपीरियंस. रितेश इज लवली टू वर्क विथ एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द फिल्म कमिंग आउट. व्यूअर्स और फैंस को मैं आज ये कहना चाह रही हूँ कि प्लीज़ हमें ज्वाइन करिए हर संडे को, क्योंकि हम यहाँ रहते हैं. प्लीज़ ज़रूर आइए और हम अपनी सिटी को क्लीन करिए. थैंक यू. थैंक यू.